वो श्रीनगर में और जम्मू में दोनों हेडक्वार्टर्स में हमने प्रोटेस्ट किया था। दैट वाज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट का सिर्फ ये मकसद था कि जो हमारे ज़ेर इल्तवा मसाइल हैं असातिज़ा बरादरी के, तो हमारे चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉरम जनाब गणेश खुजीरा जी ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी को इख्तियार किया था। 12 हमने मेमोरेंडम दिए सरकार को, अपने मसाइल से उनको उजागर किया, लेकिन जब सरकार की नींद नहीं खुली तो हमारी टीचर लीडरशिप जो है टीचर्स फोरम की, उन्होंने मशवरा करके एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दिया था 15 नवंबर को। और उसी दिन हमने मीडिया में ऐलान किया था कि अगर 30 नवंबर तक हमारे मसाइल के हल तलबी के हवाले से सरकार ने कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई तो हम दूसरा जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो हम जम्मू में बैठ के या श्रीनगर में मीटिंग में बैठ कर तय करेंगे। तो जब 30 नवंबर के बाद भी सरकार की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई और सरकार ने हमारी मसाइल के हल तलब के हवाले से कोई मजबूत रवैया जो है इख्तियार नहीं किया, तो कल हमारी मीटिंग हुई वहाँ जम्मू में जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन श्री गणेश खुजीरा जी ने की और हमारे यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर राहतर साहब और बाकी जितने भी हमारे जिम्मेदार कश्मीर वैली से हैं वो वर्चुअल मोड के थ्रू उस मीटिंग का हिस्सा बने और वहाँ पे थ्रेड बेयर डिस्कशन हुआ। तमाम पैरामीटर्स पे वहाँ पे बहस हुई, मसाइल के हवाले से, गवर्नमेंट का जो रवैया है उसके हवाले से, असातिज़ा के रेस्पॉन्स के हवाले से। तो अल्टीमेटली हमारी टीचर्स फोरम जो हमारी जो मजलिस शूरा है उन्होंने एक फैसला लिया। उस फैसले के तहत कल ही एक अनाउंसमेंट आपने देखी होगी, हमारा जो प्रेस रिलीज आ गया कल जम्मू से, तो उसमें हमारे चेयरमैन श्री गणेश खुजीरा जी और यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर राहतर साहब उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हर जिला हेडक्वार्टर पर एक कैंडल मार्च होगा। ये एक सीरीज ऑफ इसमें एक सीरीज वाइज होगा, इसमें एक ज़िला कश्मीर से पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा ज़िला जम्मू से पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारी इस टीचर्स फोरम के प्रोग्राम के प्रोटेस्ट प्रोग्राम के मुताबिक कल यानी 6 दिसंबर को यहाँ कश्मीर वैली से कुपवारा ज़िले के हेडक्वार्टर पे एक कैंडल मार्च होगा और जम्मू सूबे की अगर हम बात करेंगे वहाँ कल डोडा ज़िले के ज़िली हेडक्वार्टर पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है कैंडल मार्च का प्रोटेस्ट करेगी। इस प्रोटेस्ट का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे जो रुके पड़े मसाइल हैं, जो अरबाब इक्तदार में बैठे लोग हैं, उनको ये बावर कराना कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है हमारे पास एक राइट है प्रोटेस्ट करने का अपने मसाइल के हवाले से। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखते हैं और उस राइट का हम इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल अगर आज तक हमने ट्रेड टू डिप्लोमेसी की थी, हम लोगों से ऑफिसर से मिले थे, सरकार से मिले थे, जो पावर कॉरिडोर से बैठे लोग हैं उनसे मिले थे, उन तक हमने अपने मसाइल पहुँचाए थे, लेकिन बदकस्मती की बात यह है कि अगर एक तरफ सरकार इस महकमे तालीम को सुधारने की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ महकमे तालीम को चलाने वाले लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है महकमे तालीम का वो हमारे असातिज़ा है, उनको आपने मेंटल ट्रामा में डाला है। अगर हम मसाइल की बात करेंगे 2014 के बाद कोई डीपीसी टीचर टू मास्टर प्रमोशन हुई नहीं, आपने यहाँ पे एनपीएस लागू कर दिया है 2010 के बाद जो एक जुल्म है, उसमें सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि 2010 के बाद जितने भी मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में लगे हैं उनके साथ जो धोखा है, उनके साथ जुल्म है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जब ये मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद घर जाएगा उसको फैमिली फीड करने के लिए सरकार को सोच लेना चाहिए कैसे वो अपनी फैमिली को फीड कर पाएगा। आप देख लीजिए रहबर तालीम टीचर जो हमारे आरईटी पैटर्न पे लगे हैं, हमारी बार बार मांग रही है सरकार से कि उनके हक में एक क्लियर कट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। आप देख लीजिए 20 साल से या 22 साल से ये टीचिंग का ये तबका एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, जो मेंटल स्ट्रेस में है उनके हक में एक क्लियर कट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। आप देख लीजिए आपकी वैकेंसीज खाली हैं, आपके पास ZDOs नहीं है, COs नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, हेडमास्टर्स नहीं है, मास्टर्स की असामियाँ खाली पड़ी हैं। हम चाहते हैं कि ये वैकेंसी जो है इनको फिल किया जाए ताकि लोगों को मौका मिले प्रमोट होने का। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इंचार्ज सिस्टम यहाँ सरकार ने रखा है, जो एक दाग है, जो एक डब्बा है महकमे तालीम के लिए, जिस बंदे को आप कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में प्रमोट करते हैं, मास्टर, टीचर, ZDO, इवन COs जब प्रमोट होते हैं तो उनको आप इंचार्ज कैटेगरी में डाल देते हैं, ये महकमे तालीम के लिए एक अलमिया है कि आप जब बंदे को प्रमोट करते हैं 10 साल के बाद भी आप उसको इंचार्ज कैटेगरी में रखते हैं, कई लोग फोर्थ होने के बाद कन्फर्म हो जाते हैं, ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर जुल्म है। CBWOs के हवाले से जो एक गरीब तबका है महकमे तालीम के, जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी देखभाल करने वाले लोग, उनके हक में एक मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी अभी नहीं बना सकते कम से कम मिनिमम वेज एक्ट उनके हक में लागू कर देना चाहिए। या बाकी भी मसाइल बहुत सारे, एक लिस्ट मसाइल की है जो सरकार के पास है, जो सरकार के जो अरबाब इक़्तदार के लोग हैं उनके पास पड़ी है, उनके टेबलों के पास वो मेमोरेंडम पड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की नींद खुले और सरकार हमारे मसाइल की तय गौर करें ताकि असातिज़ा जो है मेंटल ट्रामा से बाहर आए। आपके माध्यम से हम सरकार से ये एक बार फिर अपील करना चाहते हैं कि
हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे आएंगे। अभी हमने कैंडल मार्च का प्रोटेस्ट जो है वो दिया है, आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार ने कोई मजबूत रवैया हमारे मसाइल के तहत नहीं दिखाया तो आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जम्मू और श्रीनगर में देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर मैं बात करूँ चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कल यानी 6 दिसंबर को ज़िला कपवारा के ज़िली हेडक्वार्टर पे कैंडल मार्च होगा। और जम्मू सूबे की बात करेंगे तो वहाँ डोडा के ज़िली हेडक्वार्टर हमारा कैंडल मार्च होगा। और कल शाम हम आपके साथ फिर रूबरू हो जाएंगे और आने वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि कौन ज़िला कश्मीर से पार्टिसिपेट करेगा कौन जम्मू से, तो ये एक सीरीज़ के तहत चलेगा, ये एक सिक्वेंस में चलेगा। तो कल शाम को हम